हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपका जब YouTube चैनल है जिसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉचिंग टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही आप उसके लिए एडसेंस के लिए उसे अप्लाई करते हो सेकेंड स्टेप के अंदर, तब आपके एरर आ जाता है और कुछ ऐसा आता है फिक्स प्रॉब्लम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से वो आने लगता है। तो दोस्तों, इसका आज इस वीडियो के अंदर मैं एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो 100% वर्क करेगा, और एटलीस्ट ये मेरे चैनल पे भी आया है तो मैंने इसका कैसे सॉल्यूशन किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। वैसे आप भी अपने चैनल पर वैसा का वैसा करके आप अपना चैनल है वो मोनेटाइज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या एक नई आईडी वो जीमेल आईडी है वो क्रिएट करनी होगी, और उसको बाद में जैसे ही हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो उस जीमेल आईडी से हम लोग एडसेंस को है वो लिंक कर देंगे, और ये 48 घंटे के अंदर हो जाता है और मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। और ये जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करता है क्योंकि मैंने ये करा है खुद ने। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करें। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चल के देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कैसा प्रोसेस किया है, स्टेप बाय स्टेप वो सारा आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर है वो ओपन करूंगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है फिक्स प्रॉब्लम एडसेंस अकाउंट, जबकि मैं ऑलरेडी पहले से एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर चुका हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम है वो आ रही है। अब मैं यहाँ से एडसेंस को है वो फिक्स करूंगा। तो यहाँ पे मैं एडसेंस वाले पर क्लिक कर दूंगा और फिक्स प्रॉब्लम पे क्लिक कर दूंगा, तब जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर अब प्रोसेस आ रहा है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो स्टेप आने वाला है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर। तो जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतना फास्ट है वो ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों ओपन हो चुका है, अब मैं अपना ईमेल आईडी है उसके पासवर्ड है वो यहाँ पे डालूँगा। तो प्राइवेसी के लिए मैं पासवर्ड को है वो छुपा देता हूँ ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। अब मैं इसमें यहाँ पासवर्ड डाल के और नेक्स्ट स्टेप पे वो क्लिक कर दूँगा। तो जो भी आपके पासवर्ड है वो यहाँ पासवर्ड आप डाल सकते हो, और डाल के आपको सिंपली क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जब तक ये नेक्स्ट स्टेप है वो खुल नहीं जाता, वो आपके नेट पे डिपेंड करता है। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा आपके फ़ोन से, तो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ईजिली कर लेना। अपने मोबाइल नंबर में ये नंबर है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये मोस्टली सभी के होता है क्योंकि जो जीमेल आईडी है उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो आपको ये जो 62 नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन आएंगे जिसमें आपकी ये ईमेल आईडी लॉगिन है, तो वहाँ से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो कर देना है। जैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हो उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक इस टाइप का एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास एक ईमेल आया कि आई हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट। तो इस तरीके का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैं आपको कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों, ये रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद में जो स्टेप आने वाला है वो भी मैं आपको वो चेक करा दूंगा। तो ये रिफ्रेश हो गया, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आता है, आपको सेकंड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपने जो नया जीमेल आईडी है वो क्रिएट किया है उसको यहाँ पे लॉगिन करना है। ओल्ड वाला बिल्कुल यूज़ मत करना, और ओल्ड वाले का जो नेम है वो भी मत यूज़ करना, उसकी जगह आप अपनी फैमिली मेम्बर्स किसी का भी नाम है वो दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने कोई भी एक फैमिली मेम्बर का है वो ईमेल आईडी यूज़ किया है, वैसे ही आप किसी भी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स की ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नई ईमेल आईडी है वो भी क्रिएट करके कर सकते हो। लेकिन ईमेल आईडी वो क्रिएट करना जिससे आपके पहले जो YouTube वाली ईमेल आईडी है वो बनी हुई है उससे आपका कोई भी लिंक मोबाइल नंबर वगैरह न हो, एकदम फ्रेश ईमेल आईडी हो। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ अदर अकाउंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है जो मैंने नई ईमेल आईडी यूज़ में ली है, या मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स की आईडी है वो यूज़ में ली है, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ।
तो ये मेल आईडी डालने के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का ईमेल आता है, उसके अंदर आपके पहले से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, वो ईमेल आईडी आपको पता है, तो आप यहाँ वो आईडी डाल के भी कर सकते हो। यदि नहीं पता है तब इस सॉल्यूशन का है, इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बताया मैंने। यदि आपको ऑलरेडी पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अपनी ये आईडी डाल देता हूँ और नेक्स्ट वाले पे वो क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे ही ये नेक्स्ट वाला स्टेप है वो कंप्लीट होता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। फिर अपना आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के 2-step वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में आपको जो भी फॉर्म फिल करना होगा वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताने वाला हूँ। तो पासवर्ड डाल के आपको सिंपली क्या कर देना है, नेक्स्ट वाले पे वो क्लिक कर देना है। और पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास नया विंडो पॉपअप ऑन होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो 2-step वेरिफिकेशन है वो आ चुका है। मैं इस ईमेल आईडी को थोड़ा ब्लर कर देता हूं सिक्योरिटी के लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, वहां से 2-step वेरिफिकेशन करना है, यहां पे आपको कन्फर्म है वो कर देना है। जैसे ही आप यहां से कन्फर्म करोगे तब ये ईमेल आईडी है वो यहां से आपके एडसेंस यूट्यूब में एडसेंस है वो लिंक हो जाएगा इस आईडी से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले इसको यहाँ से मैं वो कंफर्म है वो कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो भी स्टेप आता है उसका जो एक फॉर्म फिल होगा वो उसको भी आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करें, कंटिन्यू देखें, तभी आप वो समझ पाओगे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है। ऐसे नहीं आप स्किप करके कोई भी स्टेप है उसको बीच में ही छोड़ दो और आप आगे बढ़ जाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। अब दोस्तों जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपके पास क्या स्टेप आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे आपको सिंपली येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। येस आई हैव रीड एक्सेप्ट एंड जो टर्म कंडीशन होती है वो सारी आपने रीड कर ली है और पढ़ ली है, उसके बाद में आपको ऊपर वाले पे भी यस करना है और यहाँ नीचे वाले पे भी यस करना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वो बताने वाला हूँ। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपके पास क्रिएट अकाउंट करने के बाद में यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपको वो क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो तब आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फॉर्म आता है। ध्यान रहे यहाँ अकाउंट है वो आपको यही रखना है, बिजनेस वाला है वो नहीं रखना है, लेकिन आपके पास बिजनेस है सब टीन नंबर वगैरह सब जीएसटी वगैरह है तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, तो बिजनेस अकाउंट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने बिजनेस नहीं किया है। तो अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कि एड्रेस फर्स्ट एड्रेस के अंदर आपका जो एड्रेस है वो डालना है। यहाँ नेम के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो चैनल का नेम है वही आप डालो, आप अपना नेम डाल सकते हो जो आपके अंदर आईडी में है। उसके बाद सेकंड एड्रेस के अंदर आपको डालना है कॉन्टेक्ट मी और आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि जब भी हमारा पिन है वो पोस्ट पर आता है डाक वाला देने के लिए, तब उसके अंदर सिर्फ एड्रेस होता है और डाक वाला हमारा जो एड्रेस है उसको पता नहीं होता है, तो यहाँ पे सेकंड एड्रेस में आपके मोबाइल नंबर होंगे तो बेटर है कि वो आपको कॉल कर लेगा कि यहाँ पे आप आके आप अपना है वो जो कोड आया है गूगल से वो आप लेके जाओ। तो आप सिंपली इस तरीके से वो फॉर्म फिल कर लेना है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ या ब्लर कर रहा हूँ जिसकी वजह से सिक्योरिटी के लिए, और इसको मैं पूरा का पूरा फुलफिल कर लेता हूँ और आपको इस तरीके से पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो भरना है। उसके बाद नीचे आपका जो मोबाइल नंबर डालना है और आपका जो जहाँ आप रह रहे हो उसका जो पोस्ट कोड है वो डालना है, पिन कोड है वो जो भी पिन कोड होगा आपका वो यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। तो दोस्तों मैंने जो फॉर्म है वो पूरा फिलफिल कर लिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, और उस तरीके से आपको सिंपली डाल के यहाँ पे और उसको है वो क्या करना है सबमिट है वो कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तब आप देखोगे कि जैसे आप सबमिट करोगे तब उसके बाद में आप जैसे उसको रिफ्रेश करने वाले हो तो रिफ्रेश करते ही आपको ऊपर है वो जो आपको प्रॉब्लम फिक्स आ रही थी वो यहाँ पे जैसे आप देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करते ही जो अभी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इन प्रोग्रेस आ जाएगी फिक्स वाली प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे आपको रिट्रैक्ट कर देना है, जैसे आप करोगे तब वहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फिक्स प्रॉब्लम की जगह आपके इन प्रोग्रेस है वो आ जाएगा। तो ये रिफ्रेश हो रहा है,
जैसे आप वेटिंग करते हैं थोड़ी देर, ये देखिए अब इन प्रोग्रेस आ गया। अब क्या होगा, मैं 48 घंटे के अंदर ये मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन मैं 2 या 3 दिन के अंदर चेक किया है मैंने, तो दोस्तों अब 3 दिन के बाद भी मैं चेक करा रहा हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। तो अब आप टाइम वगैरह डेट सब स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो चैनल में ओपन करके देखते हैं। अब जाता हूँ, चैनल ओपन किया, अब जाता हूँ मैं क्रिएट स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो YouTube स्टूडियो के अंदर जैसे ही मैं गया, और उसके बाद जैसे ये ओपन हो जाता है, ओपन होते ही मैं आता हूँ इसके अंदर मोनेटाइज में। ध्यान रहे स्ट्राइक वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे, ये आप देख पा रहे हो 2 स्ट्राइक आए हुए हैं, तो कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई डिफरेंट फ़र्क नहीं पड़ता है मोनेटाइजेशन पे। तो ये देख लीजिए अब मोनेटाइजेशन मेरे चैनल पे ऑन हो चुका है, और इस तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का है वो सॉल्यूशन कर सकते हो, आफ्टर 48 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन मैंने चेक है वो 3 दिन के बाद चेक किया था। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम भी देख सकते हो कि मैंने किस टाइम पे चेक किया है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हो। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है, यदि 3 स्टेप भी आपका इन प्रोग्रेस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो यूट्यूब होता है वो आपके वीडियो वगैरह सबको चेक करता है कि सारे कंटेंट आपके हैं, या आपने कहीं से उठा के YouTube से डाउनलोड करके उस कंटेंट को अपने चैनल पर डाला है। तो ऐसा आप गलती कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने कहीं भी वीडियो के अंदर आपका 70% या 60% भी काम किया है तो आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, आपका फेस उसके अंदर आया है तो भी आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।